Please don't feed me, because I know what I want. Please deliver me, that's all part of your soul. It makes you freeze time, staring in at yourself. It's time to step outside onto the path you once made. आई थिंक हर एक्टर के लिए इससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं होती जब ऑडियंस उनको इतने प्यार से वेलकम करती है. दिस गाइज वर फैंटास्टिक. पूरा क्राउड जो यहाँ पर था, जितने भी स्टूडेंट्स थे लाला कॉलेज के, दे वर वेरी वेरी वेलकमिंग एंड आई ऑलवेज फील वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड. आई वाज वेरी थैंकफुल एंड आई एम सो हैप्पी कि वो इतने अच्छे कॉज के लिए आके इस तरह उस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कोई फिल्मी परफॉर्मेंस कर रहे थे या ऐसा कोई एंटरटेनमेंट का फॉर्मेट था. यहाँ पे लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है और इतने सारे स्टूडेंट्स इतने एंथुजियाज्म के साथ आए और उन सब ने पार्टिसिपेट किया. आई थिंक ये हम लोग सही जनरेशन को इस कॉज के बारे में अवेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये फ्यूचर जनरेशन है. दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड एंड आई थिंक इट्स द यंगस्टर्स हु हैव द एंथुजियाज्म टू मेक अ चेंज एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉज है. हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों में सेफ्टी बरतनी चाहिए एंड वी मस्ट बी अवेयर. नॉइज़ पोल्यूशन हो या अगर हम बायोडिग्रेडेबल मटीरियल यूज़ करें, जैसे क्ले के गणेशाज यहाँ पे बने हुए हैं, ऐसी जगह में उनको डुबाएं जहाँ पे एनवायरनमेंट ख़राब ना हो. फॉर एग्जांपल एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा. जैसे वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज़ किए गए हैं इन गणेशाज को बनाने के लिए, जो टोटली बायोडिग्रेडेबल हैं. तो आई थिंक ऑल दीज आर फैंटास्टिक थिंग्स, दीज आर फैंटास्टिक एंडेवर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. Please don't feed me, because I